हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है और ये अपनी फीलिंग आपको बताना नहीं चाहते, छुपा रहे हैं और ऐसा है कि आपसे दूर भाग रहे हैं। और आपको ये पर्सन चेस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं कि इनको भी आपकी ज़रूरत है या आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा ये दिखाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं कि ऐसे बनते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो आप इनकी तरफ बढ़ो, या ऐसा बन कर दिखाते हैं कि अपनी लाइफ में ये खुश हैं और आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ऐसा ये बन तो रहे हैं लेकिन ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं। आपके पर्सन की हरकतें ऐसी रही हैं गाइस, छोटे बच्चे की तरह। ये ऐसा है कि कुछ भी आपको कह देते, आपको हर्ट करना, आपको रुलाना, ये इनका चलता रहा है। और इनके रवैये से आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप रिश्ते को संभालते रहे, इन्होंने ऐसा है कि बचपना दिखाया है, किसी भी तरह समझदारी इस इंसान ने नहीं दिखाई है। और अब ऐसा है कि आप इनसे इसीलिए अलग हो गए हैं और इनकी तरफ अब जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपको समझ में आता है कि यह इंसान को चाहे जितना भी समझा लो, ये सुधरने वाले नहीं हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये सेल्फ लव में आ रहे हैं, ये खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि पहले तो इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, हो सकता है ये परिवार की जिम्मेदारियां इन पर हैं और या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो उनकी जिम्मेदारियां इन पर हैं। तो लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियों में घिरा हुआ तो है ये इंसान। तो अब ये ऐसा है कि सोचते हैं कि कब तक ये दूसरों के लिए करते रहेंगे, इनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने आप को भी इनको खुश रखना चाहिए और अपना ख्याल इनको रखना चाहिए। ये जब देखो तब दूसरों के लिए ही कर रहे हैं और इनके बारे में तो कोई सोचता नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और ऐसा ये कर भी रहे हैं। अभी ये खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब आपके पर्सन में ऐसा है गाइस कि उनका वो चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने गलतियां की हैं उसको अब ये सुधारना चाहते हैं। और अभी ऐसा है कि ये प्यार के लिए तरस रहे हैं, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं है, हर कोई इनका फ़ायदा उठा रहा है। तो इसलिए अभी आपके पर्सन ऐसा है कि आपको चेस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहे हैं। अभी ये इंसान किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ अभी ये इंसान है लेकिन उस थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि वही ऐसा है कि इनकी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं ये थर्ड पार्टी की ही वजह से है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और उनके साथ इनकी लाइफ अच्छी नहीं चलने वाली, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर इनको प्यार व्यार कुछ मिल नहीं रहा है, प्यार के लिए इंसान तरस रहा है, ये सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ नहीं करना चाहती, बस इनसे मतलब अपना निकालती है, इनसे फ़ायदा इनका उठा रही है। इस चीज़ को ये समझ गए हैं तो इनको यही लगता है कि इनको वहाँ से निकलना है, अभी वहाँ थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी में स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को। और देखिए इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनके पास ऑप्शन हैं लेकिन फिर भी ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, उन ऑप्शंस की तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ये तलाश रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, थर्ड पार्टी से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसान आप पर नज़र बनाकर रखता है। ये अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ इनको मिल नहीं पा रहा है, ये अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पर, वो चाहे परिवार हो इनका, चाहे इनके रोमांटिक पार्टनर हो, ये चाहते हैं उनका सपोर्ट, उनसे प्यार, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, इनको ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलती नहीं है, इसलिए ये थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आज़ादी से और प्यार के साथ जीना चाहते हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको लगता है आपके प्यार में आज़ादी मिलती है, इनको आपके साथ इनको खुशी मिलती है, आप ऐसा है कि इनका इनकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखते हैं,
हर समय इनके साथ रहते हैं, इनका साथ देते हैं सुख में दुख में, तो इसलिए इनको वही है कि आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। और ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट जो है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत भी शुरू करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होती हुई नज़र आती है, आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता दोबारा से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी ही ये सब कुछ होने वाला है। और यहाँ पर जब सब कुछ ठीक होता रहेगा गाइस, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप पूरी तरह से अब फिर सोच लेंगे कि अब बस इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तब आप ऐसा कर रहे होंगे। अब बिल्कुल इनकी तरफ से ऐसा है कि ध्यान हटाकर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे और वहाँ ऐसा है कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर रहे होंगे आप दोनों को मिलाने के लिए। तो जब ऐसी आपकी कह दीजिए एनर्जी रहेगी कि आप इस इंसान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहेंगे और इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा है कि को नए ढंग से शुरू करना चाहेंगे, उसी समय आपको ये आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आएंगे, इनका प्रपोज़ल आपको मिलेगा और इनका साथ उसी समय आपको मिलेगा, ऐसा है यहाँ पर। और जब तक आप इनका वेट कर रहे हैं और इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तब तक कुछ भी सही होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आता। और जिस समय वो ऐसा रहेगा कि आप इनकी तरफ से पूरी तरह ध्यान हटा लेंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे या फिर चाहेंगे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तभी यह इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। और ये सब कुछ अचानक ही होगा आपके साथ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई प्लानिंग है या फिर आप सोच लेंगे कि बस अब बदलना है फिर वो इंसान आपकी तरफ आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कुछ अचानक ही होगा, अचानक आप में परिवर्तन आएगा और आप मन बना लेंगे कि बस अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और तभी आपको ये सारी चीज़ें रिसीव होंगी। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपकी लाइफ में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है, भले ही अभी आप परेशान हैं। अब आपको भी लग रहा होगा कि शायद ये इंसान कभी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, पर यहाँ पर ऐसा है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और सब कुछ अचानक होगा और उस समय तक आप में भी परिवर्तन आ जाएगा, फिर आपको ये लगेगा कि ये इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप दोनों को मिलाया जाएगा, ये सब कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स। तो गाइस आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।